लेक्चर में हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट पे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट लेते हैं, ये सारा हम लोगों ने किया है, ठीक है। अब इस पर थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं, मोर प्रैक्टिस, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, ठीक है, तब तक आपका आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी से प्रोडक्ट बन रहा है 4D और प्लस 5E, ठीक है, प्रोडक्ट बन रहा है 4D प्लस 5E, ठीक है। अब क्या करना है, इसका मोल गिवन है, 2 मोल, 4 मोल, ठीक है, 2 मोल, 4 मोल, 12 मोल, 12 मोल गिवन है बेटा। तो फाइंड आउट द मोल ऑफ डी एंड ई, क्वेश्चन सबमिट में आ गया। क्या करना है, डी और ई का मोल निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, डी और ई का क्या निकालना है, मोल निकालना है। जल्दी से निकालो, तुम लोग जल्दी से फाइंड करो, क्यों, ठीक है। डी का मोल 16, पहले एलआर बड़ा करो। किसी ने आंसर दिया बेटा, ठीक है, अंकित ने आंसर दिया सर डी का मोल 16। अब एक बात बताओ अंकित, बिना लिमिटिंग रिएजेंट जाने तुमने आंसर कैसे दिया, ठीक है, बिना लिमिटिंग रिएजेंट जाने का आंसर कैसे दिया आपने। पहले क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करेंगे ना, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करेंगे सबसे पहले, पता है ना। तो बताओ, देखो 12/3 यानी कितना 4, और 4/2 कितना 2, और 2/1 2। देख ध्यान दो, ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं, 4/2 कितना 2, ठीक है, 2/2 कितना 1, ठीक है, अब 12/3 कितना 12/3 कितना 4, यानी हम ये दोनों बेटा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है, दोनों लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। यानी आंसर आप देखिए ना, 4/2 2 और 2/1 2, ठीक है। तो ये दोनों ए और बी दोनों एल आर होगा, यानी रिएक्शन के दौरान ये दोनों पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, एक्सेस, एक्सेस होगा बेटा, ठीक है। तो आपको चलिए इसमें सर्च जो बचेगा उसका भी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। पहले तो इसका मोल ले, तो हमने ट्रिक सिखाया था, दो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे करो, ठीक है, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे इसका कितना मोल, जीरो मोल, जीरो मोल, ठीक है। आफ्टर टाइम यानी आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर गया बेटा रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन, ठीक है, दो तरीका बताया था, ठीक है। ये खत्म हो गया कितना, जीरो, ये भी खत्म हो गया कितना, जीरो, क्योंकि एलआर है, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा दोनों खत्म हो जाएगा। अब देखो आंसर किससे दोगे बेटा, ए से भी आंसर दोगे तो उतना ही आएगा, बी से भी आंसर दोगे तो उतना ही आएगा। देखो हम दोनों से निकाल के आपको बताता हूं, इसके एक मोल से इसका 4 मोल, तो इसके 2 मोल से इसका कितना मोल, 8 मोल। पहले डी और ई पे कमेंट करते ना, इसके एक मोल से इसका 4 मोल, तो इसके 2 मोल से कितना, 8 मोल, ठीक है। अच्छा इससे निकाल के देखो, इसके 2 मोल से 4 मोल, तो एक से कितना, 4/2 यानी 2, तो है कितना 4, तो ठीक है, एक से 2 तो 4 से कितना, 8 मोल। यानी ए से आंसर निकालो चाहे बी से आंसर निकालो, आंसर कितना आएगा, 4 का, यानी डी का कितना मोल आएगा, 8 मोल, 8 मोल आएगा, गो डाउट। देखो ना, आंसर ए से निकालो या बी से निकालो, एक मोल से 4 मोल, तो 2 मोल से कितना, 8 मोल, ठीक है। अब यहां देखो ई का आंसर निकालो, ये या तो ए से निकालो या तो बी से निकालो, ठीक है, दोनों एल आर है, इसके एक मोल से उसका 5 मोल, तो 2 मोल से कितना, 10 मोल, 10 मोल, ठीक है। इससे भी आंसर निकालोगे तो वही आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इसका कितना बचेगा, ये एक्सेस है तो कितना बचेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए ना, ये यहां भी देखिए, समझिए इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये एक्सेस है तो कितना मोल बचेगा। तो थोड़ा सोचिए ना कि सर इसके एक मोल से 3 मोल, इसके 2 मोल से इसके कितना मोल रिएक्ट करेगा, 6 मोल, आपके पास है कितना, 12 मोल है ना, लेकिन इसके एक मोल से इसका 3 मोल रिएक्ट करेगा, तो इसके 2 मोल से कितना रिएक्ट करेगा, 6, तो आपके पास है कितना, 12 मोल है ना, तो -6 कर लीजिए ना, तो कितना मोल आ जाएगा, 6 मोल, ये रिमेनिंग बचेगा। किसी ने बोला सर हम इससे निकालेंगे, उससे भी उतना ही आएगा, देखिए ना, इसके 2 मोल से इसका 3 मोल,
इसका दो मोल से इसका थ्री मोल रिएक्ट करेगा, तो इसके एक से कितना थ्री बाई टू, इसके एक से कितना थ्री बाई टू, ठीक है थ्री बाई टू, तो आपके पास है कितना फोर। तो देखिए ना थ्री बाई टू इंटू फोर यानी कितना सिक्स मोल रिएक्ट कर गया, है आपके पास कितना बारह, तो बारह माइनस सिक्स कर दोगे आंसर सिक्स जाएगा। अरे बोलो को डाउट, अरे बोलो बेटा ठीक है, किसी को डाउट बोलो, किसी को डाउट, किसी को डाउट बोलो, डाउट है सर वन डाउट है, एल आर टू, एल आर टू या टू से ज्यादा हो सकता है, हाँ बेटा हाँ हाँ ठीक है, एल आर दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है ठीक है, पांच बनाने का जो जो एल आर होगा किसी से भी आंसर दे सकते हो, एक्सेस से आप एनालिसिस मत करना, जो भी आपको एल आर आएगा उसके अनुसार आंसर दो। किसी ने पूछा सर एल आर दो ही हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जब भी एनालिसिस होगा तो लिमिटिंग रिजल्ट के अनुसार ही प्रोडक्ट का एनालिसिस करें आप, गो डाउट नहीं ना। अरे पूजा बोलो और गो डाउट है बेटा नहीं ना है ठीक है, नो सर प्रिंस फिर से बताऊं, अरे यार फिर से बताऊं, देख लो ना क्या गया मैंने क्या बोला, सबको लिमिटिंग रिजल्ट सबको समझ में आ गया ना, लिमिटिंग रिजल्ट, अरे मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होता है, जो छोटा वैल्यू होता है लिमिटिंग रिजल्ट होता है, तो दोनों मेरा लिमिटिंग रिजल्ट आया ना, ए भी आया बी भी आया, तो आप चुपचाप एनालिसिस कर दिए, आप आंसर ए से निकालो चाहे बी से निकालो, यानी डी और ई का अमाउंट चाहे ए से निकालो चाहे बी से निकालो आंसर तो वही आएगा, ए से भी निकालोगे तो इसके एक मोल से चार मोल, तो दो मोल से आठ मोल, ठीक है समझ में आ गया। अब बोलो अभी भी डाउट है क्या, ठीक है ठीक है, चलो समझ में आ गया निमेश, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो अगले सवाल, फिर एक लेते हैं ठीक है, एक फिर लेते हैं सवाल, एन टू प्लस थ्री एन एच टू गैस से क्या बन रहा है, टू एन एच थ्री अमोनिया गैस का प्रोडक्शन हो रहा है ठीक है, ये 28 ग्राम ठीक है 28 ग्राम और ये है बेटा 6 ग्राम, ये 6 ग्राम ठीक है, बताओ फाइंड आउट द मास ऑफ एन एच थ्री, इसका मास निकालो मोल नहीं निकालना ठीक है, फाइंड आउट द मास ऑफ एन एच थ्री ठीक है, क्या निकालना है बेटा क्वेश्चन में क्या करा है, फाइंड आउट द मास ऑफ एन एच थ्री बाय रिएक्टिंग 28 ग्राम ऑफ अमोनिया एंड 6 ग्राम ऑफ एच टू ठीक है, क्या करा फाइंड आउट द मास ऑफ, फाइंड आउट मास ऑफ, मास ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस NH3 प्रोड्यूस, तो पहले मोल निकाल लेते हैं ना, पहले मोल निकाल लेते हैं ठीक है, सबसे पहले मोल निकाल लो, चलो निकालो मोल ठीक है, देखो मोल निकालो, इसका मोल निकालो कितना बताओ, इसका मोल यहीं पे निकाल दो ना, मास बाई मोलर मास 28 यहीं पे मैं निकाल देता हूं, चलो नीचे लिख देता हूं बेटा यदि तुमको दिक्कत हो रहा है तो, मोल कितना आ जाएगा मास बाई मोलर मास 28 यानी 1 मोल, इसका भी मोल निकालो, गिवन मास 6 और H2 का मोलर मास कितना 2 यानी कितना मोल आ गया बेटा 3 मोल, देख लो 3 मोल आ गया। अब देखो इंपॉर्टेंट है 3/3, देखो 3/3 मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3/3 1 1/1 1, तो LR gone, दोनों इस बार LR यानी दोनों पूरा का पूरा क्या होगा कंज्यूम होगा ठीक है, यहां दोनों पूरा का पूरा कंज्यूम होगा यानी दोनों का ठीक है, यानी जिस यानी रिएक्शन में ये भी 100% रिएक्ट करेगा और H2 भी 100% रिएक्ट करेगा, बोलो गो डाउट है, अरे बोलो बेटा गो डाउट है, पूजा फर्स्ट LR गैस है, अरे फर्स्ट LR गैस है 1/1 1 और 3/3 1, ये भी तो एक, अरे मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर दे हो ना ठीक है, तो मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट करोगे तो यहां भी तो 1 ही आएगा और यहां भी 1 ही आएगा, तो LR तो दोनों है, बोलो ठीक है को डाउट ठीक है, तो कहने का मतलब आप आंसर किससे दे सकते हो, N2 से भी दे सकते हो और H2 से भी दे सकते हो ठीक है, तो बताओ इसके एक मोल से इसका कितना मोल 2 मोल ठीक है, इसके एक मोल से 2 मोल, तो है भी गिवन मास जितना दिया गया था उसमें मोल कितना 1 यानी कितना मोल प्रोड्यूस होगा, मोल्स ऑफ कितना 2 मोल, अब मोल जब निकल गया तो मास ऑफ एन एच थ्री मोल इंटू मोलर मास कर दो, मास ऑफ एन एच थ्री कितना 2 इंटू कितना बोलो 2 इंटू कितना 17 यानी 34 ग्राम,
34 ग्राम देख लो बेटा, गुड आउट। किसी को डाउट है बोलो, गुड आउट है बोलो, नहीं ना। अरे बेटा इतना तुम आप पागल क्यों बने, इसमें तो ऐसी आंसर निकल जाता, मास कंजर्वेशन लगा देते तो दिगे। इसमें इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत थी, मास कंजर्वेशन लगा देते तो ऐसी आंसर आ जाता, 28 ग्राम और 6 ग्राम तो 34 ग्राम। अलग बात है आप दिमाग लगाएं, अलग बात है, लेकिन मास कंजर्वेशन लगा देते तो 28 ग्राम था या 6 ग्राम था, ये 34 ग्राम मिलता। इतना दिमाग लगाने की क्या आवश्यकता थी, यहाँ पे आप मास कंजर्वेशन भी लगा सकते थे, ठीक है बोलिए, यहाँ पे मास कंजर्वेशन भी लगा सकते थे आप, गुड आउट। अरे बोलो भैया, अरे बोलो, ठीक है नहीं ना, ठीक है बेटा, यहाँ पे मास कंजर्वेशन भी लगा सकते थे 28 ग्राम और 6 ग्राम, तो आंसर कितना होता 34 ग्राम। इतना मोल वोल करने की क्या जरूरत थी, ठीक है अलग बात है, बना दिए तो कोई बुरा नहीं है, कंसेप्ट सीखे, लेकिन यहाँ मास कंजर्वेशन लगा के, यानी कभी भी सारे रिएक्टेंट का मास दे देना, अब प्रोडक्ट का मास पूछे चुपचाप मास कंजर्वेशन लगा के बता देना। हाँ बसरते एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए, अब एक से ज्यादा प्रोडक्ट होगा तब तो यही मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है चलो इतना मैं किसी को डाउट नहीं ना, ठीक है चलो डाउट नहीं ना है, ठीक है ध्यान दीजिए। अब मैं बताने वाला हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कोर्स को, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है क्या अभी तक, लिमिटेड एजेंट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है छोटा छोटा प्रॉब्लम भी सवाल सॉल्व करना आ गया। अब एक टर्म के बारे में बताने जा रहा हूं, परसेंटेज यील्ड, ठीक है क्या बताने जा रहा हूं बेटा, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड, ठीक है क्या बेटा, परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहला बात सर परसेंटेज यील्ड है क्या, ठीक है परसेंटेज यील्ड की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि आप, ठीक है पेन पेपर पे ध्यान दीजिए, पेन पेपर पे जो प्रोडक्ट का अमाउंट निकालते हैं ना वो वाला वैल्यू। देखिए एक एग्जांपल लेता हूं, देखिएगा ये बात समझिएगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें आप, क्या बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है, ठीक है मान लीजिए जाए, ठीक है 100 ग्राम को यदि हीट करोगे, हम थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं कि 100 ग्राम को हीट किए, ठीक है 100 ग्राम को हीट किए तो ये बना 56 ग्राम, 56 ग्राम बना, ठीक है गुड आउट, ये 56 ग्राम बना ध्यान दीजिएगा। लेकिन लैब में गया, जब लैब में गया ना तो इसके 100 ग्राम को हीट किया तो मिला तुमको 54 ग्राम, 55 ग्राम, ठीक है यानी लैब वाला अमाउंट और पेन पेपर पे जो कैलकुलेट करके अमाउंट निकाल रहे प्रोडक्ट का वो दोनों वैरी कर गया। ध्यान समझो क्या बोल रहे हैं कि सर यदि हम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते तो हमको मिलना कितना चाहिए था, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलना चाहिए था, लेकिन जब लैब में गए तो आपको 56 ग्राम नहीं मिला, उससे कुछ कम अमाउंट मिलता है, ठीक है यानी हाँ उससे कुछ क्या मिलता है, कम अमाउंट मिलता है, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल अमाउंट, क्योंकि लैब वाला चीज तो एक्चुअल है और जो हम पेन पेपर पे हम कैलकुलेट करके हम निकाल रहे हैं वो क्या है, थ्योरेटिकल है। आप कहते हैं ना कि इसके इतना ग्राम से इसका इतना ग्राम, इसके इतना मोल से इतना मोल, वो थ्योरेटिकली हम बताते हैं, लेकिन लैब में प्रोडक्ट का अमाउंट अलग होता है, ठीक है तो इसी कारण हमें परसेंटेज यील्ड निकालने की आवश्यकता पड़ी। समझ में आ रहा है, जैसे लैब में गए ठीक है तो कितना ग्राम मिला, मान ली 55 ग्राम मिला लैब वाला, यानी लैब में हम गए तो हमें 56 ग्राम 55 ग्राम मिला, तो परसेंटेज यील्ड कितना, यानी परसेंटेज हमें कितना यील्ड मिला है, ठीक है तो 50 देखो लैब में 55 मिला और हमें कितना मिलना चाहिए था 56 और इंटू 100, यही हो गया परसेंटेज यील्ड, यही हो गया परसेंटेज यील्ड, ठीक है यानी एक्चुअल अमाउंट। एक्चुअल अमाउंट का मतलब क्या, लैब वाला अमाउंट, प्रोडक्ट का एक्चुअल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट और इनटू 100, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड, ठीक है एक्चुअल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट और इनटू 100 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, परसेंटेज यील्ड मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको करना क्या है कि एक्चुअल अमाउंट कितना मिला, लैब वाला, एक्चुअल का मतलब लैब वाला, लैब में हमें 55 ग्राम मिल रहा है और थ्योरेटिकल पेन पेपर पर कितना मिल रहा है, 56 ग्राम,
ठीक है, तो क्या बोले, ऊपर में क्या रखना है, हमेशा एक्चुअल अमाउंट, ऊपर में हमेशा एक्चुअल अमाउंट, और नीचे में क्या बेटा, थ्योरेटिकल अमाउंट। बोले सर थ्योरेटिकल का मतलब क्या, जो हम कैलकुलेट करके बता रहे हैं वो थ्योरेटिकल है, ठीक है, हम सवाल भी लेंगे इस पे आगे, अभी पेशेंस रखिए, ध्यान से सुनिएगा जो बात बोल रहे हैं। यानी कहने का मेरा मतलब हुआ, ध्यान दीजिए, कहने का मेरा मतलब हुआ क्या, समझिए, परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं सर, देखिए क्या बोले, एक्चुअल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, एक्चुअल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडर बाई क्या, थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। ये पूरा नहीं लिखा, थ्योरेटिकल समझ जाना, थ्योरेटिकल क्या अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और इंटू क्या करना है, 100 इंटू 100 कर दोगे। अब देखो सर अमाउंट किस टर्म में लेंगे, ध्यान दीजिएगा, अमाउंट आप किस टर्म में लेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम परसेंटेज को फार्मूला को और लिख रहे हैं, परसेंटेज यील्ड इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्चुअल मास ऑफ द प्रोडक्ट, एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या, थ्योरेटिकल मास ऑफ प्रोडक्ट, थ्योरेटिकल मास ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और इनटू क्या बेटा, 100, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं परसेंटेज यील्ड को, तीसरा फॉर्मूला, परसेंटेज यील्ड इक्वल टू, तीसरा ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एक्चुअल मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट, एक्चुअल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, एक्चुअल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, अब भाई क्या, थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और इंटू 100, इंटू 100, ठीक है। बोल सर इस दोनों में अंतर क्या, कोई अंतर नहीं, देखो ना, यहां मोल कटर में लिखा हूं, यहां मास कटर में लिखा हूं, यदि मॉलिक्यूलर मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी भी सब्सटेंस का, अब देखो ऊपर में भी एक्चुअल मास है और ऊपर में जैसे ही मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे, नीचे में भी मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, मोल बन जाएगा, मोल बन जाएगा, आदि मॉलिक्यूलर मास को कैंसिल आउट भी कर लोगे तो मास में बदल जाएगा। फिर देखो ना, मैं फिर से बोल रहा हूं, समझो समझो समझो, इंपॉर्टेंट है, समझो, ठीक है सर, सब सब क्या लिखो, संध्या के हो, सब सानिध्य क्या लिख रहे हो यार, चलो सानिध्य के हो, अच्छा छोड़ो, हम बात काम की बात करें ना, कहां के हो बाद में बात करेंगे, ठीक है, बात करेंगे, मोदी करते हैं किसकी बात, ठीक है, मन की बात, और हम करते हैं पढ़ाई की बात, इसलिए पढ़ाई की बात करो, ठीक है, मोदी की बात अभी नहीं करना, इसलिए कोई बच्चा मन की बात अभी नहीं करेगा, पढ़ाई की बात करेगा, ठीक है, चलो, हाँ हाँ हाँ, देखते हैं देखते हैं, ठीक है, चलिए चलिए चलिए, हाँ मैं क्या बोल रहा था, समझिए कि क्या बोला, जैसे एक्चुअल मास आया 5 ग्राम, देखो एक्चुअल मास आया 5 ग्राम, ठीक है, थ्योरेटिकल मान लिया आया 7 ग्राम, ठीक है, 5 एक्चुअल मास आया, थ्योरेटिकल तुम्हारा 7 आया, और हमेशा ध्यान रखना एक्चुअल हमेशा कम होगा, एक्चुअल का मतलब लैब में हमेशा, ठीक है, कम अमाउंट मिलता है, ठीक है, एक्चुअल या लैब में यदि यदि पूरा या हो भी सकता है ऐसा, लेकिन एक्चुअल केस में हमेशा बेटा हमेशा 100% यील्ड नहीं मिलता, उससे कुछ कम यील्ड मिलता है, ठीक है। बोलो सर ये सब बातें जो कर रहे हैं, मनगढ़ंत कहानी आप जो बना रहे हैं, वो कितना देर तक बनाइएगा, बनाएंगे अभी, बनाएंगे अभी, तो सुनते जाओ मेरी बात, एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ध्यान से तो सुनो, ठीक है, देखे हाँ देख 5/7, तो हम क्या बोल रहे कर रहे थे बेटा, एक्चुअल मास 5 था, थ्योरेटिकल मास 7 था, ठीक है। अब हम बात करें, मान ले जाए इसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करें, इसको भी मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करें, ठीक है, और इंटू 100 कर रहे हैं हम, तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर रहे हैं तो फर्क क्या पड़ रहा है, वैल्यू में तो कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है ना, देखिए ना, ये मोल बदल गया, ये भी मोल बदल गया, ये कौन सा मोल बदला, ये एक्चुअल मोल बदला, ये कौन सा मोल हो गया, थ्योरेटिकल मोल हो गया। तो आप फार्मूला को इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, यानी जब आपको एक्चुअल मोल मालूम है या एक्चुअल मास मालूम है, तो दोनों तरह से आंसर ला सकते हैं आप, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप मास के बिटर में फार्मूला लगा सकते हो, मोल के टर्म में भी फार्मूला लगा सकते हो, आपकी जैसी मर्जी, ठीक है।
अब देखो इस पे सवाल करते हैं, ध्यान दो। अच्छा, जब तक कि क्वेश्चन पेपर में परसेंटेज यील्ड का चर्चा ना हो, क्या बोल रहे हैं, जब तक कि क्वेश्चन पेपर में परसेंटेज यील्ड का चर्चा नहीं हो तो हमें 100% यील्ड मानना है। 100% यील्ड का मतलब जो हम पेन पेपर पे कैलकुलेट करके प्रोडक्ट का अमाउंट निकाल रहे हैं और जो लैब में हम प्रोडक्ट बना रहे होंगे, दोनों का अमाउंट सेम आ रहा होगा। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, यदि क्वेश्चन पेपर में परसेंटेज यील्ड का कोई चर्चा नहीं है, ठीक है, यदि क्वेश्चन पेपर में परसेंटेज यील्ड का चर्चा नहीं है तो लैब वाला अमाउंट और थ्योरेटिकल अमाउंट, लैब का मतलब क्या है, एक्चुअल, जो आप लैब वाला अमाउंट बोल रहे हैं बार बार वो क्या है, एक्चुअल अमाउंट है। ठीक है, और जो हम पेन पेपर पे कैलकुलेट करके प्रोडक्ट का अमाउंट निकालते हैं इतना मोल से इतना मोल करके, वो थ्योरेटिकल है। यदि दोनों बराबर, हाँ, क्वेश्चन में कोई चर्चा नहीं है यदि, तो हमें परसेंटेज 100% मानना है, यानी लैब वाला वैल्यू प्रोडक्ट का और मेरा वैल्यू क्या आ रहा होगा, बराबर आ रहा होगा। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो, किसी को डाउट है पूछो, बेटा डाउट है पूछो, क्या बोले, यदि क्वेश्चन पेपर में परसेंटेज यील्ड का चर्चा नहीं हो तो परसेंटेज यील्ड कितना मानना है, 100%। अभी ना लिखे थे परसेंटेज यील्ड इक्वल टू क्या, अभी ना लिखे थे क्या, एक्चुअल अमाउंट, अब आई क्या, थ्योरेटिकल अमाउंट और इंटू 100, थ्योरेटिकल अमाउंट इंटू 100 अभी ना लिखे थे बेटा। ठीक है, यदि परसेंटेज यील्ड 100% है, इसका मतलब एक्चुअल और थ्योरेटिकल क्या होगा, बराबर होगा, सेम होगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन पेपर में नहीं चर्चा है तो हम अभी तक जितना भी सवाल बनाए वो कितना परसेंट यील्ड मान के, 100% यील्ड मान के बनाए हैं, यानी जो हम पेन पेपर में वैल्यू प्रोडक्ट का निकाल रहे हैं वही लैब में वैल्यू आ रहा होगा। को डाउट, को डाउट, ठीक है, अरे को डाउट नहीं ना, चलो ध्यान दीजिए। अब एक सवाल करते हैं, छोटा सा सवाल करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, PCl5 प्लस H2O की रिएक्शन करके फास्फोरिक एसिड H3PO4 प्लस HCl का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में रिएक्शन गिवन है और इसका मोल भी गिवन है, 0.4 मोल, और इसका दिया गया 1.8 मोल। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, निकालना क्या बेटा, फाइंड आउट, पहला सवाल फाइंड आउट क्या बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट, पहला क्वेश्चन का पार्ट फाइंड आउट क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, ध्यान देना, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है बेटा, मास ऑफ HCl एंड H3PO4, फाइंड आउट मास ऑफ H3PO4 एंड HCl प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ध्यान दे, इंपॉर्टेंट है भाई। तीसरा, फाइंड आउट, ऐसे लिखता हूं, इफ द मास ऑफ HCl प्रोड्यूस, इफ द मास ऑफ HCl प्रोड्यूस्ड इज 65.7 ग्राम, देन फाइंड आउट द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन, देन फाइंड आउट परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन, यील्ड ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड निकालना है। ठीक है, अरे बोलो भाई, कोड आउट बोलो। ठीक है, चलो बेटा, चलो तरुण, कौन, अनिमेश, अनिमेश बेटा सवाल लिख लिया सबने, क्या कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया था, रिएक्शन दिया गया था, तो सबसे पहला काम क्या करना है, मोल मेथड में रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है पहले चेक करो, उसके बाद सवाल बनना, पहले चेक करो सब रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, बनाने लगे हो बिना बैलेंसिंग किए, बनाने लगे हो तुम लोग, पहले चेक करो बैलेंस है कि नहीं है, पहला काम चेक करो। ठीक है, बैलेंस है कि नहीं है पहले चेक करो बेटा, उसके बाद सवाल बनाओ, बैलेंस है क्या, नहीं है तो जल्दी करो बैलेंस, नहीं है तो जल्दी करो, करोगे जल्दी करो, मैं ही करूँ क्या, चलो मिटा लेता हूँ सवाल को, मिटा लेता हूँ, अब मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है,
पहले गया निकालना है, एल आर रिएक्शन बैलेंस से गया। बच्चों बोलो, एनिमेश, पूजा, ठीक है, निशांत, स्वेच्छा, अरे बताओ क्या रिएक्शन बैलेंस है? बैलेंस है क्या रिएक्शन? क्या रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है ना, ठीक है, तो बैलेंस करो, बोलो कितना कितना करोगे। चलो यहां 4 लगा दू और यहां 5 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। देख लो बेटा बैलेंस हो गया है, ठीक है। अब क्या काम करेंगे ध्यान दीजिए, अब क्या काम करेंगे बेटा? सबसे पहला काम क्या कि सर एलआर चेक करेंगे, लिमिटिंग रीजन चेक करेंगे। तो यहां पे मैं शॉर्ट में लगता हूं, देखो एलआर चेक करोगे क्या, 0.4/1 कोएफिशिएंट 1 है ना, 1.8/ कितना 4, ठीक है, तो ये तो 0.4 आ जाएगा, ठीक है, और ये लगभग कितना 0.4 और कितना 0.45 आ जाएगा ना, 0.45। बोलो एलआर गॉन, अरे बोलो एलआर गॉन, एलआर गॉन, पीसीएल 5 BH2O, कौन आया एलआर बेटा? पीसीएल 5 BH2O, सही बात है स्वच्छा, पीसीएल 5 LR, ठीक है, पीसीएल 5 LR, सही है बेटा, सही है स्वच्छा, सही है तुम्हारा, पीसीएल 5 LR है। चलो ये एलआर हो गया, ये क्या हो गया बेटा, ठीक है, एक्सेस, एक्सेस। अब बताओ इसका आंसर किसके अनुसार देंगे? एलआर के अनुसार आंसर देंगे, ठीक है, तो हमें डायरेक्ट आंसर निकालना है, ठीक है। चलो डायरेक्ट बताओ ना अब, या डायरेक्ट आंसर बता दो, देखो क्या इसका मोल डायरेक्ट बताओ, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल, तो 0.4 मोल से इसका कितना कितना मोल डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका मोल जो प्रोड्यूस होगा कितना कितना मोल मिलेगा बेटा, 0.4। अब बोलो इसके 1 मोल से इसका 5 मोल, इसके 1 मोल से इसका कितना मोल, 5 मोल, ठीक है, तो 0.4 से कितना, ठीक है, इसका मोल हो जाएगा कितना बेटा, 0.4 × 5, यानी कितना मोल बोला, 2 मोल। देख लो मोल आ गया ना दोनों का मोल आ गया। क्या आप मास निकाल सकते हो, क्या आप मास निकाल सकते हो, ठीक है, हाँ चलो मास निकालो जल्दी से सब। पहला काम क्या करो, मास ऑफ H3PO4 निकाल दो, ठीक है, तो यहीं पे निकाल दो ना, मोल आ गया तो मास निकाल लो ना, मास कितना इसका 0.4 इंटू मोलर मास, चेक करो ना कितना आ रहा है H3PO4 का मोलर मास कितना, अरे चेक करो ना यहाँ पे H3PO4 का मोलर मास, अरे 3+ फास्फोरस कितना, फास्फोरस कितना 31, यानी 3+31+ कितना ऑक्सीजन कितना कितना 64 जोड़ लो ना, कितना हो गया, अरे यार 31+3 यानी कितना 34 ना, यानी कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा, देख लो, अरे 64 अब प्लस 34 करोगे तो कितना 98 आ जाएगा ना, H3PO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 आएगा ना, ठीक है, यानी 0 × 9 ये इसका मास आ गया, इसका भी मास निकाल लो, मोल कितना बेटा 2, अब मोलर मास कितना HCl का 36. अरे क्लोरीन का 35.5, हाइड्रोजन का कितना 1, यानी कितना 36.5, इतना ग्राम दोनों का मास आ गया, देख लो मास आ गया। अरे बोलो को डाउट है इतना पहले बोलो, इतना में किसी को डाउट है बोलो, किसी को डाउट है बोलो, नहीं ना डाउट है क्या, सबको मास निकल गया, बोलो भाई, ठीक है मास निकल गया सबका, सबका मास फाइंड आउट हो गया, H3PO4 का और HCl का को डाउट है बेटा, ठीक है। चलो अब क्या निकालना है, अब निकालना है बेटा परसेंटेज यील्ड निकालना है, ध्यान दीजिए अब क्या निकालना है, परसेंटेज यील्ड। अच्छा इसका मास कितना, यानी 73 आ जाएगा ना, 36 × 72 यानी 72 और 5 × 2 = 10 73 आ जाएगा ना, 73। अच्छा देखो 73 आ रहा है ना, ठीक है, अब एक बात सुनो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना चमत्कार होगा। अब एक बात बताओ क्या निकालना, परसेंटेज यील्ड निकालना, ठीक है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा, हमको मिल रहा है कितना HCl 73 ग्राम मिल रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि यार ये दोनों को रिएक्शन कराए हो तो यदि तुमको 65.7 ग्राम मिले क्या HCl। अब बताओ थ्योरेटिकल
जो क्वेश्चन पेपर में प्रोडक्ट का अमाउंट देगा ना, तो समझ जाना वो एक्चुअल अमाउंट है, यानी लैब वाला वो अमाउंट है। ध्यान दो, जब परसेंटेज यील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ना, क्वेश्चन में परसेंटेज यील्ड का चर्चा रहेगा और प्रोडक्ट का अमाउंट दिया रहेगा, तो समझ जाना वो एक्चुअल अमाउंट है, यानी लेबोरेटरी वाला वो अमाउंट दिया गया प्रोडक्ट का। हम तो पेन पेपर पे कैलकुलेट करके निकाले तो मेरा एससीएल आया 73 ग्राम, ठीक है, लेकिन लैब में जो बंदा बैठा वो कितना लाया, 65.7 ग्राम। अब मैं बार बार बोलता हूं कि एक्चुअल हमेशा कम आएगा किससे, थ्योरेटिकल से। थ्योरेटिकल 73, एक्चुअल कितना है 65.7 ग्राम, 65.7 था ना, ठीक है। क्या बोला, अरे भाई मैं जी, जो जो बच्चे इसमें कमेंट में बदमाशी कर रहे हो सारे को मैं आउट कर दूंगा, याद रखना, ठीक है। ये टीचिंग प्लेटफॉर्म में, पढ़ने का प्लेटफॉर्म है, बात करने का आपस में नहीं प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहां पागल नहीं बैठा सब, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करो चुपचाप, आपस में बाधे में लगे हो पढ़ लो लग लो, ठीक है। चलो ध्यान दो, चलो बात क्या कर रहे, हाँ क्या बोल रहे थे, एक्चुअल अमाउंट हमेशा कम होगा किससे, थ्योरेटिकल से। अब निकाल देते हैं परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो एक्चुअल में सेल कितना दिया गया आपको, 65.7, और थ्योरेटिकल कितना आया, 73 × 100 कर दो, आंसर आ जाएगा जो भी कैलकुलेट करके आएगा, इतना परसेंट यील्ड होगा रिएक्शन का। कोई डाउट, अब कोई डाउट है पूछो। अच्छा एक बात और सुनो, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है। यदि H3PO4 के बारे में देता कि रिएक्शन करने के बाद मेरा इतना ग्राम H3PO4 बनता, तो उससे भी परसेंटेज यील्ड निकाल सकते, एक्चुअल निकल जाता है यहां से, देखिए थ्योरेटिकल यहां से निकल जाता और एक्चुअल क्वेश्चन में इसका गिवन होता दी, तो इससे भी परसेंटेज ऑफ यील्ड निकाल सकते थे, ठीक है। यदि आप इसका थ्योरेटिकल तो मालूम कर लिया ना और एक्चुअल क्वेश्चन में दिया रहता, तो इस H3PO4 का यूज करके भी आप परसेंटेज यील्ड निकाल सकते थे, लेकिन हमको तो इसका एक्चुअल अमाउंट तो दिया नहीं था, इसका एक्चुअल अमाउंट दिया था तो इसी का यूज करके निकाल लिया। को डाउट है तो पूछो, को डाउट है बोलो, ठीक है। नहीं बेटा चलो मुन्ना सही है, चलो 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 पूजा सबका सही है, चलो। अब गुना भाग है, अब गुना भाग तुम लोग को आधा होगा, ठीक है, मेरे को नहीं आता आपको आधा होगा गुना भाग, ठीक है, तुम लोग आधा है गुना भाग पक्का आधा होगा। कितना परसेंट आया बेटा, 90% आया, 90%, चलो सही है, ठीक है। चलो को डाउट, किसी को डाउट, अरे बोलो भाई किसी को डाउट, एनी डाउट, नहीं ना पक्का 100%, और बोलो यार कुछ डाउट है, नहीं ना, नो सर, हाँ इसी तरह से बोलते रहोगे तब मैं भी जोश जगाते रहूंगा तुम्हारा, ठीक है, और तुम सो जाओगे तो मैं भी सो जाऊंगा, ठीक है, तुम्हारे अंदर रहना चाहिए, ओ सर कुछ करेंगे तो तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए, ओ मैं भी कुछ करूंगा, ठीक है, ठीक है। अरे यार गर्मी इतना लग रहा है ना, कुछ काम नहीं कर रहा है फैन, ठीक है, थोड़ा गर्मी बढ़ गई भी गया है, चलिए, और आप लोग इतने हॉट है कि ऐसे ही गर्मी बढ़ा के रखे हैं, ठीक है, क्या तुम लोग तो क्योंकि आप ये प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही क्या करते रहते, बातचीत करते रहते, ठीक है, इसलिए पढ़ाई लिखाई की बात क्या करें, यहां तुम लोग लड़ाई की बात करते हो क्या, पढ़ाई की बात करो, ठीक है, चलो ध्यान दो, चलो देखो, ठीक है, 89% आ रहा है, अरे यार पलक तुम्हारा कैलकुलेशन गलत है, ठीक है, चेक करो सही से चेक करो, ठीक है, 90% आएगा। चलो अब ध्यान दो, इंपॉर्टेंट खेला है, खेला समझो, ठीक है, खेला समझो सब, कैलकुलेट इंपॉर्टेंट काम को सिखा रहे हैं, ध्यान देना। मास ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द मास ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1.49 ग्राम ऑफ KCl, 1.49 ग्राम ऑफ KCl, इफ, ठीक है, इफ
100% परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन, परसेंटेज यील्ड इज 100% दिया गया। दूसरे बार में कह रहा है इफ परसेंटेज यील्ड इज, परसेंटेज यील्ड इज 40%, 40%। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए उसके बाद आप ट्राई करिए, मैं बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए आप ट्राई करिए, नहीं होगा तो बता देंगे हम और क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नहीं होगा तो बता देंगे, नोट करिए और बनाना स्टार्ट करिए। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए और बनाना स्टार्ट करिए। चलो मैं बनाऊं कि करोगे? चलो मैं ही करता हूं। देखो देखो समझो, तुम करना घर में बैठ गए, मैं कर देता हूं अभी। देखो 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 समझो, स्टार्ट समझो समझो मुन्ना बनाना। ठीक है, अरे अरे यार, तुम लोग से मिलते हैं तो एक घंटा डेली, उसमें भी तुम ही काम करेगा तो हमारे लिए भी तो कुछ करने दो। ठीक है, तुम घर में करना। चलो पहले रिएक्शन लिखो, KCl3 वाला रिएक्शन लिखो। रिएक्शन दे देते हैं, KCl3 वाला रिएक्शन क्या, KCl3 को क्या कर रहा होगा, हीट कर रहा होगा, तभी तो KCl मिल रहा होगा। प्लस O2, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है? नहीं है ना, बैलेंस कर लो। कितना बेटा रिएक्शन, जल्दी से बैलेंस करो साहब, कल ही बताया था ना साहब, जल्दी से बैलेंस करो, सवाल को आगे बढ़ो, रिएक्शन बैलेंस करो और क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ। ठीक है, सब जल्दी जल्दी करो, मैं ही करूं क्या? ठीक है, चलो कर देता हूं। यहां 2 हो गया, ठीक है, तो यहां भी क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा ना, और यहां कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। बैलेंस हो गया, देख लीजिए, बैलेंस हो गया, देख लीजिए। ठीक है, हाँ बैलेंस हो गया ना, देख लीजिए, 2 क्लोरीन, 2 पोटेशियम और 6 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ठीक है, अब धंधा हमारे ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट धंधा है। ठीक है, समझना, कह रहा गया किसका मास कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 1.49 ग्राम। यही ना क्वेश्चन बोल रहा है, KCl3 तुम्हें 1.49 ग्राम मिल रहा है, तो कितना मास किसका लिया जाए, KCl3 का लिया जाए कि तुम्हें KCl मिले 1.49 ग्राम। ठीक है, यही क्वेश्चन कर रहा है कि कितना मास इसका लिया जाए कि इसका कितना मिले, 1.49 ग्राम मिले। अच्छा, क्वेश्चन बनाना गया है, कह रहा गया कि परसेंटेज यील्ड एक बार क्या लेके बनाना है, 100% बनाना, और एक बार 40% यील्ड लेके बनाना है। तो 100% वाले में तो कोई टेंशन ही नहीं है, यानी जो तुम्हें एक्चुअल में लेबोरेटरी में, ये जो एक क्वेश्चन में ध्यान दो, जब परसेंटेज यील्ड का चर्चा हो क्वेश्चन में तो प्रोडक्ट का अमाउंट हमेशा क्या होता है, एक्चुअल या थ्योरेटिकल, जो ये क्वेश्चन पेपर में दिया गया था ना, तो ये प्रोडक्ट का कौन सा अमाउंट है, एक्चुअल या थ्योरेटिकल? ये क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी प्रोडक्ट का अमाउंट है, तो एक्चुअल है थ्योरेटिकल है, बोलो, सब बोलो पहले। ये जो 1.49 ग्राम KCl है वो एक्चुअल है थ्योरेटिकल है, बोलो जल्दी से। ठीक है, एक्चुअल है थ्योरेटिकल है, एक्चुअल है, सही है, एक्चुअल अमाउंट है। ठीक है, अब एक्चुअल अमाउंट है और परसेंटेज यील्ड है, ध्यान दो, परसेंटेज यील्ड कितना है, 100% है। इसका मतलब जो एक्चुअल होगा वही थ्योरेटिकल होगा। पहला पार्ट बना रहे हैं, ध्यान दो, पहला पार्ट बना रहे हैं कि परसेंटेज यील्ड यदि 100% है तो जो एक्चुअल होगा वही थ्योरेटिकल होगा। ये क्वेश्चन पेपर में तो एक्चुअल दिया गया था और थ्योरेटिकल भी इतना ही रहेगा, थ्योरेटिकल इसके अमाउंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, यानी हम जब 100% वाले यील्ड से बनाएंगे तो 1.49 ग्राम ही KCl लेके बनाएंगे, कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, एक लाइन में सॉल्व कर रहे, देखो देखो, यानी हमारा जब 100% यील्ड मानेंगे तो जो एक्चुअल है वही थ्योरेटिकल होगा। ठीक है, अब देखो इसका मान, देखो तरीका है, बहुत तरीका है आपको बनाने का, सवाल एक तरीका नहीं है, 1000 तरीका है। ठीक है, अब देखो इसके 2 मोल से, ध्यान दो, इसके 2 मोल से इसका कितना मोल, 2 मोल, ध्यान दीजिएगा,
तो दो मूल का मतलब दो, अच्छा ऐसे भी खेल सकते हो, ध्यान दो, इसके दो मोल से इसका दो मोल, यानी इसका दो मोल यानी मास कितना, जोड़ लो ना, पोटेशियम का 39 और क्लोरीन का कितना 35.5, ठीक है, यानी क्या बोलोगे, देखो 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 ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है, यानी 2 into, ध्यान दीजिए 7.45 ग्राम डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, अरे भाई यहां दो मोल है, अभी इसको छोड़ो, अभी इसको भूलो, आप जो काम मोल में करते हो तो उसको मास में भी कर सकते हो, देखो ये दो मोल से इसका कितना मोल चाहिए, दो मोल चाहिए, तो दो मोल का मास कितना, ठीक है, एक मोल का मास 74.5 केसीएल का, तो दो मोल का कितना इंटू टू करोगे, टू मोल केसीएल चाहिए, ठीक है, तो कितना मोल केसीएल, 3, यानी देखो टू यानी एक मोल का मास कितना, देखो मास के टर्म में खेल रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, 2 into कितना, इसको जोड़ के देखो कितना आएगा, बताओ जोड़ के, पोटेशियम 39 और कितना 35.5 और कितना, अरे जोड़ो 39 35.5 और कितना 48, जोड़ो यार एक्स 12 कितना 6 और 4 10 और कितना 12 122.5, ठीक है, 2 into 122.5 ग्राम, ध्यान दो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, हम शॉर्ट थोड़ा कर रहे हैं सवाल को, थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी दो मोल केसीएल लेंगे तो हमारा दो मोल केसीएल 3, मतलब दो मोल केसीएल बनेगा कब, जब आप दो मोल केसीएल 3 लोगे, तो वही तो लिख रहे हैं, दो मोल का मतलब कितना, इतना ग्राम, यानी इतना ग्राम केसीएल बनेगा कब, जब इतना ग्राम आप क्या लोगे, केसीएल 3 लोगे, ठीक है, इसलिए एक ग्राम से, इसलिए एक ग्राम से डायरेक्ट करो, एक ग्राम से कितना 2 into 122.5 और डिवाइडर बाई कितना बेटा, कितना बोलो, 2 into कितना 74.5, इसलिए कितना ग्राम लिया गया है KCL का, 1.49 ग्राम, 1.49 ग्राम से कितना, ये गुना कर लो ना 245 और ये कितना 149 और इंटू 1.49, ठीक है 1.49, ठीक है, गुना भाग कर लो, इतना ग्राम क्या चाहिए आपको, KCL 3 चाहिए, आंसर आ गया, एक पार्ट बन गया बेटा, एक पार्ट बन गया क्वेश्चन का, एक पार्ट बन गया, देख लो, ठीक है क्वेश्चन का एक पार्ट बन गया, कोई डाउट है पूछो, किसी को डाउट है, एक पार्ट में किसी को डाउट है पूछो, पहला पार्ट में किसी को डाउट है, किसी को डाउट है पहला पार्ट में, हाँ 2.45 सही आंसर, 2.45 सही आंसर, आंसर इज करेक्ट 2.45 सही आंसर बेटा, इतना ग्राम क्या केसीएलओ3 चाहिए हमको, पहला पार्ट में डाउट है, अरे बोलो, नहीं ना, नो सर, अरे बोल दो भैया, किसी को डाउट है तो बोल दो, स्वेच्छा पूजा अनुनय, ठीक है, अरे बबलू राम श्याम चंपा चमेली, किसी को डाउट है बोलो, अरे रामू श्यामू बबलू चंपा चमेली, किसी को डाउट है बोलो, नहीं है ना, ठीक है, चलो चलो चलो, अब दूसरा पार्ट बनाते हैं, क्वेश्चन का पार्ट दूसरा, ध्यान दीजिएगा सेकंड पार्ट, अब देखिए एक्चुअल मास तो मेरा 1.49 था, लेकिन कह रहा है अब हमारा परसेंटेज यील्ड कितना है, 40% है, इसका मतलब जो, ध्यान दीजिए, अब हमारा परसेंटेज यील्ड 40% है, क्वेश्चन कह रहा है कि परसेंटेज यील्ड मेरा 40% है, यानी लैब, देखिए ध्यान दीजिए, हमें थ्योरेटिक ये एक्चुअल मास दिया गया 1.49 का नाम, ठीक है, ये एक्चुअल मास है और परसेंटेज यील्ड कितना कह रहा है 40% है, तो पहले इसका थ्योरेटिकल मास पता करो कितना है, क्योंकि आप जो इतना मोल से या इतना ग्राम से इतना ग्राम कर रहे हैं वो थ्योरेटिकली कर रहे हैं ना, अरे आप इतना ग्राम से इतना ग्राम कर रहे हैं वो कौन सा मास खेप पे खेल रहे हैं, थ्योरेटिकल मास में खेल रहे हैं ना, तो पहले आप जब परसेंटेज 40% है तो पहले थ्योरेटिकल मास पता करो कितना है, कितना केसीएल का आएगा, ठीक है, तो हम इसको मिटा लेते थोड़ा सा, यहीं पर पता कर देते हैं, यहीं पर मैं लिखता हूं, ठीक है, अभी तो लिखा हुआ था परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, देखो यहां एक्चुअल अमाउंट, अब आई क्या एक्चुअल अमाउंट कितना था अभी बताओ 1.49 और थ्योरेटिकल कितना है निकालना है, थ्योरेटिकल केसीएल कितना मिलेगा यही तो निकालना है, यहां थ्योरेटिकल केसीएल निकाल लेते हैं, थ्योरेटिकल अमाउंट और इनटू क्या 100, अब क्वेश्चन में परसेंटेज यील्ड कितना दिया गया था 40%, देख लो 40% यील्ड दिया गया, देखो तो यहां से थ्योरेटिकली तुम्हें कितना केसीएल मिलेगा यह पता हो जाएगा, और जब थ्योरेटिकल में पता हो जाएगा, यहां से बताओ ना, देखो ना परसेंटेज 40% है
और एक्चुअल इतना मिल रहा है तो थ्योरेटिकल अमाउंट कितना मिल रहा है वो केसीएल के लिए पहले निकालो ना, क्योंकि आप जो एनालिसिस करते हैं इतना ग्राम से इतना ग्राम, वो कौन सा मास एनालिसिस करते हैं, थ्योरेटिकल मास एनालिसिस करते हो, ठीक है? अरे बोलो भाई, ठीक है? तो आप जल्दी से करो, बताओ वहां से थ्योरेटिकल अमाउंट कितना आएगा, जल्दी से हमको बताओ थ्योरेटिकल अमाउंट कितना आएगा, यहां से बताओ थ्योरेटिकल अमाउंट कितना आएगा, ठीक है? तो चलो ना, कर लो ना, यहां से निकाल दो ना, थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ केसीएल कितना आ जाएगा, थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ केसीएल जो आ जाएगा, बोलो कितना, इसको इधर कर दो ना, यानी कितना 149, अब आई कितना 40, इतना ग्राम आ जाएगा थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ केसीएल, देख लो थ्योरेटिकल अमाउंट आ गया, अब कितना थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ केसीएल कितना आ गया, फिर वही काम, इतना ग्राम से उतना ग्राम, तो एक ग्राम से कितना, तो उतना ग्राम से कितना, 149 बाई कितना 40 ग्राम, क्या आ गया केसीएल, तो अब क्या करोगे यहां पे, क्या करोगे इनटू 149 अब आई 40, सॉल्व कर दो इतना ग्राम केसीएल चाहिए, देख लो देख लो। सर वीडियो पॉज हो गया, अच्छा पॉज हो गया, कोई बात नहीं है, ध्यान से समझ लो, देखो ना समझ लो एक बात कि बेटा हम जो इतना मोल से इतना मोल करते हैं या इतना ग्राम से इतना ग्राम, वो कौन से मास की बात करते हैं, थ्योरेटिकल मास की बात करते हैं, और हमें क्वेश्चन में दिया जाता है वो एक्चुअल मास, तो एक्चुअल मास हमें पता था तो हम परसेंटेज यील्ड भी पता है, तो हम थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ केसीएल पता कर लेते हैं पहले, तो थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ केसीएल कितना आ गया, देख लो ना 149, अरे इंटू 1.49 इंटू 100 149 आ जाएगा ना, अब आई 40 आ गया थ्योरेटिकल मास ऑफ केसीएल, तो फिर वही काम, इसके इतना ग्राम से इतना ग्राम केसीएल से इतना ग्राम केसीएलओ3, ठीक है, इसलिए एक से इसलिए कितना उसका, इसका अमाउंट पता लग गया ना कितना 149 बाई 40, तो उतना से निकाल दिया, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। अब अगले लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं बच्चों, वो बात करने वाले हैं हम लोग क्या, परसेंटेज प्योरिटी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही गाभी, अगले वाले लेक्चर में मिलते हैं और जोश के साथ और एनर्जी के साथ, थैंक यू, बाय, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा।